हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे, तो आज मेरा व्लॉग जो है ना वो मैं कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से शुरू। तो अभी आलू उबालने के लिए रखे हैं क्योंकि मुझे आर्ना के लिए अभी ब्रेकफास्ट एंड लंच तैयार करना है इसलिए। और दूध भी आ चुका है तो दूध भी मैं उबालने के लिए रख दूँगी। तो आज मैं आपके साथ ना अपना ग्रोसरी शेयर करूंगी और कुछ नहीं। और जो है अभी मेरी जो किचन है ना वो साफ़ कर दी है काउंटर टॉप पे। एक बार फिर से मैंने कपड़ा मार दिया है क्योंकि मैंने आलू उबालने के लिए रखे थे ना तो उसमें पानी थोड़ा सा गिर गया था इस वजह से। और जो किचन में जो मैंने रात को जो बर्तन वॉश किए थे तो वो भी लगाऊंगी। और ना पता है मैं ना आर्ना को आज, वैसे स्कूल तो उसको लेट जाना है बट मैं जब उसको जल्दी लेने गई थी ना तो एक घंटे के लिए गई थी, एक डेढ़ घंटे के लिए गई थी स्कूल। जब मैं उसको लेने गई तो वो आ नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से वो आई है। जब मैंने उसको बोला कि मैं दोबारा से लेकर आऊँगी स्कूल तब वो आई है, वो आ ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों क्या हो गया, या तो आज उसको कोई न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे इस वजह से वो आ नहीं रही थी। बट बहुत कोशिश की, रो भी गई थी कि नहीं नहीं जाना नहीं जाना। एक होता है ना कि बच्चा जैसे न्यू न्यू फ्रेंड से मिलता है तो उसको उसके साथ खेलने में मज़ा आता है, तो बस वही था आज उसका। बहुत मुश्किल से आई थी वो, खैर कोई नहीं। और उसके बाद बस जब वो आएगी तब मैं अपना ग्रोसरी आपको सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या इस मंथ मंगवाया है। बहुत कम मंगवाया है, ज़्यादा नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा भी सारा काम हो गया है। सुबह मैंने वीडियो शूट किया था बट फटाफट से मैंने काम किया आज, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना ग्रोसरी ही शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। क्योंकि मंथ जो अगस्त है वो स्टार्ट हो गया है, आई थिंक आज है, आज 6 तारीख है, तो आज जो है फ्राइडे। तो आज सोचा कि चलो अपना ग्रोसरी दिखा देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, फिर भी थोड़ा जो भी मैंने मंगवाया है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा ग्रोसरी, ये रखे। सबसे पहले है ये गोवर्धन का घी, और ये है आधा किलो का। तो मैं क्योंकि इस बार जो है ना मैंने आर्ना के लिए घी निकाला नहीं है तो इसलिए मैंने आधा किलो का मंगवाया है। और दूसरा है ये आशीर्वाद आटा। मेरा आटा ना खत्म हो गया था और मैं पता है किससे काम चला रही थी, जो आर्ना के जो मैं आटा मंगवाती हूँ ना छोटा वाला 1 किलो का, तो मैं उससे काम चला रही थी तो ये आ गया है। और एक है ये डिश वॉश, और मैं यही यूज करती हूँ। हाँ, और मैं यही वाला यूज करती हूँ क्योंकि ना ये ना मेरा जब मैंने मंगवाया था, जब मैंने आपके साथ अपना ग्रोसरी शेयर किया था ना, वो तब से चल रहा था। आई थिंक 2 मंथ हो गए हैं और अब जाके ये खत्म हुआ है तो मैंने इसलिए दोबारा मंगवा लिया। थोड़ा सा रह गया तो वो भी खत्म हो जाएगा, आज या कल में खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है इसलिए मैंने इसको दोबारा से इसको मैंने मंगवाया है। काफी अच्छा है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, बहुत ही कम लगता है, बहुत इतने से में सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं। सबसे बेस्ट मुझे ये लगा था इस बार का, जो भी मैंने मंगवाई थी ग्रोसरी उस बार का। और एक मैंने अपने लिए न्यू मैंने चेंज किया है अपना फेस वॉश, तो मैंने मंगवाया है ये एवर यूथ का नेचुरल, और ये है एप्पल वाला। और इसको इसकी जो स्मेल है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एप्पल मैं खा रही हूँ या एप्पल रखे हुए उसकी स्मेल आती है ना वो है। तो काफी मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं कुछ नया यूज करती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं करती थी पतंजलि का तो वो भी काफी अच्छा था, और इस बार मुझे कुछ नया करने का मन करा इस वजह से जो है मैंने ये वाला लिया है। साथ साथ मैं टेबल पर भी रखती जा रही हूँ। और ये बिस्किट लिए हैं, ये है काजू, काजू के हैं। पता क्या, मैं कोई भी चीज जो ऐसी होती है ना मैं रिपीट नहीं करती हूँ, अलग अलग करती रहती हूँ। अलग अलग करना चाहिए कि ताकि हमें एक स्वाद का पता चले, टेस्ट है ना कि कैसा है कैसा नहीं है। इसलिए जैसे मैं हमेशा ही जो रिफाइंड है उसको हर मंथ मैं अलग अलग यूज करती हूँ, ऐसे ही सारी चीजें जो है मैं अलग अलग यूज करती हूँ। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा से ही चली आती है, जैसे कि घी बस ये बता रही हूँ। और एक मैंने लिया है चॉपर, काफी मुझे, क्योंकि हमारा पता क्या है, हमारा है वो वाला मिक्सी के साथ ही है
बट उससे कभी कभी क्या होता है, मिक्सी निकालो फिर चॉपर निकालो और उसको फिर करो, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए इस वजह से जो है ना ये वाला मैंने लिया है, ताकि बस फटाफट डालो और आपको भी करना है, आने को भी करना है, तो काफी अच्छा। बेटा मैं ब्लेड निकाल रही हूँ क्योंकि ब्लेड हाथ में लग सकता है, आप कर लो, मुझे अच्छा लगा है। इसका कलर भी काफी अच्छा है, करो करो आरना भी कर लिया। वाह चलिए बस 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 ये है। और एक मंगवाया है हमने सैनिटाइजर, तो ये सही मिल गया था रेट में, इसलिए फिर एक बॉटल मंगवा ली हमने। जैसे कहीं बाहर जाओ तो छोटी वाली बोतल जो होती है ना वो उसमें भर लेंगे, तो बाहर जाओ तो यूज हो सकता है, स्मेल भी अच्छी है इसकी, है ना। और एक बिस्किट मंगवाए हैं ये वाले, ये आरना को पसंद है। एक इसमें एक छोटा पैकेट भी लेकर आए थे, वो आरना को पसंद लगा, तो इस वजह से जो है ना हमने ये वाला पैकेट दोबारा मंगवा लिया है। और ये है भेलपूरी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो अपने लिए मंगवा लेते हैं। और एक लिया है ये अपोलो का क्लीनर पोछा लगाने के लिए, तो सोचा इस बार चलो अपोलो का यूज करते हैं, तो ये भी यूज करूंगी, अभी यूज नहीं किया है। और एक लिया है अपोलो का वाइप्स, ताकि आरने से हम बाहर जाते हैं ना तो उसको लेके चले जाते हैं। और इससे पहले मैंने यूज किया था उसका बेबी वाला, तो वो भी मैंने आरने के लिए यूज किया हुआ है, सोचा इस बार ये वाला यूज करते हैं, तो मंगवा लिया। बादाम, बादाम तो आपको पता ही है हम डेली लेते हैं। और ये है रिफाइंड, और इस बार हमने सोयाबीन ऑयल का मंगवाया है, जब हमने ग्रोसरी मंगवाई थी तो वो दूसरा था, वो फ्लावर वाला था, सनफ्लावर कुछ ऐसा था वो, और इस बार हमने ये वाला मंगवाया है। और ये मंगवाए हैं इंडिया गेट चावल, तो ये है चावल का पैकेट। और एक मंगवाया है अपोलो का हैंड वॉश, मुझे रखना है बेडरूम वाले उसमें बाथरूम में, तो इसके लिए मंगवाया है मैंने, क्योंकि वो कम यूज होता है ना तो ये काफी टाइम तक चल जाएगा, इजिली चल जाएगा, इसलिए ये छोटा मंगवाया है। और इस बार हमने साबुन, नहाने वाला साबुन ये वाला यूज कर रहे हैं, तो हमेशा जो होता है पर हमने साबुन ये वाला यूज किया है, यूज कर रहे हैं मतलब। और एक हमें मंगवाया है ये भी सैनिटाइजर है, तो ये भी मंगवा लिया है, सही रेट में मिल गया था इसलिए दो मंगवा लिए, और अलग अलग कंपनी के मंगवाए हैं, ये अलग कंपनी का है वो अलग कंपनी का है। चीनी और क्या है, काजू मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड ही खाते हैं बस, और मैं और आना वो खाते हैं बादाम। और एक मंगवाए हैं ये मास्क, और ये 95 वाला मास्क बस, तो यही थी मेरी। मैंने बहुत कम मंगवाया है ग्रोसरी, क्योंकि अभी मेरे जो ग्रोसरी है वो रखा हुआ है, और जैसे छोटी मोटी चीजें खत्म हो जाती है ना वो चीजें मंगवाई हैं बस, और कुछ नहीं मंगवाया एक्स्ट्रा, क्योंकि जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी तो हम दूसरी क्यों मंगवाए, है ना, फिर वो भी खराब हो जाएगी, तो इस वजह से जो है ना इस बार हमने दाल वगैरह कुछ नहीं मंगवाई है, वो सब रखा हुआ है, क्योंकि हम कितने हैं, हम ढाई टन है, आना छोटी आना कितने से खाती है, आना इतना सा खाएगी, कुछ हमारे इसमें से खा लेती है, तो फिर जो एक किलो की दाल होती है वो बहुत इजीली चल जाती है। और ये तो है नहीं कि हम जो दाल है वो रेगुलर एक ही चीज बनाती जाए, है ना, दाल कभी कुछ कौन सी दाल बना ली, कभी कौन सी दाल बना ली, कभी कौन सी दाल बना ली, इस वजह से जो है मेरी दाल जो है ना काफी टाइम तक चल जाती है, बस उनको धूप लगाती हूँ तो ताकि वो खराब ना हो, स्मेल ना आए। यस आरना दिखा रही, आरना आपको अच्छा, आरना का ही हमने आरना का वाइप्स मंगवाया, तो आरना ने ही ले लिया है वाइप्स। चलिए यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, अपना ग्रोसरी और
इन सबको मैं अरेंज करके आज ही रख दूंगी, क्योंकि सारा काम हो गया है, फ्री हो गई हूँ मैं काम से और बस लंच करना रह गया, तो लंच बाद में करूंगी, अभी नहीं करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अना बाय कर दो, बाय बाय।